एक मे महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून तळोजा MIDC मध्ये भारतीय बांधकाम उद्योग संधी आणि आव्हाने या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन फैसल रूफिंग सोल्युशनच्या वतीने करण्यात आले होते. उद्योग व्यावसायिकांशी संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्र दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात सलीम रहमानी यांनी कंपनीचे यश कोणत्याही एका व्यक्तीमुळे कधीच होत नाही, टीमच्या बळावरच यश मिळू शकते, त्यामुळे तुम्ही कामगाराला आपलेसे करून काम केले पाहिजे, तसेच आजच्या पिढीनेसुद्धा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर उद्योगधंद्यात करावा असे आवाहन केले. या चर्चासत्राला IMSE माजी अध्यक्ष राकेश कुमार, फैसल रूफिंग सोल्युशनचे सलीम रहमानी, तळोजा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र सोनावणे यांच्यासह उद्योजक, कामगार यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी कामगार कारखान्याचा पाया असतो, कामगाराला अधिकार देऊन काम करण्याची मुभा दिली तरच तो उद्योग यशस्वी होतो, नवे उद्योजक तयार करतो असे मत व्यक्त केले. कामगार मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा पिलर है. हम मजदूर हैं, मजदूर ही रहेंगे. हम मजदूर का दर्द जानते हैं क्योंकि हमने 14 साल की उम्र से ही ये काम करना स्टार्ट किया हुआ है. तो मुझे वो दर्द अच्छी से पता है. इसलिए जो हमारे कामगार जो मजदूर भाई हैं उनसे बस इतना ही कहूँगा कि आप भी जो है कि खूब मेहनत करिए, खूब अच्छा काम करिए, ताकि जो है कि आप भी हमारे जैसा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करें. क्योंकि आप आज मजदूर हैं और मजदूर रहेंगे हम और आप, लेकिन इस मजदूरी के साथ करते करते और मजदूर भाइयों को अच्छा और बेहतर जोड़ना है, यही हमारी मकसद होनी चाहिए. और हमारे देश की तरक्की और बेहतरी तब बेहतर और अच्छा होगा जब हम लोग जो है इस देश और इस मुल्क के लिए अच्छा करेंगे. लास्ट 32 ईयर्स से मैं जैसे बताया 14 साल का से काम करता हूँ. 91 में पहली बार 13 नवंबर को मैंने RCF का काम किया, जब अपनी मूंछों पे काली स्याही लगाया था, हमारी मूंछें भी नहीं आई हुई थी, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर निकाला गया था. पता नहीं था कि 32 ईयर्स में जो है कि हम जिस मजदूरी से 5वीं क्लास हमारी एजुकेशन थी, 6वीं क्लास में हम जैसे ही आए के लिटिल स्टार हवाई वंडर वाटी बार मुंबई चले आए. बट एजुकेशन के प्रति हमेशा मैं संघर्षशील रहा, बहुत मेहनत करता रहा. इसीलिए हमने समय समय पर सिर्फ पुराण ही नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और श्याम वेद और भागवत गीता भी पढ़ा, जिसको अध्ययन किया और समझा कि पहले तो सर्वोपरि इंसान होना ज़रूरी है. हम इंसान बन पाए तो बेहतर है. 32 ईयर्स का जो योगदान है हमारी जर्नी का फैसल रूफिंग के लिए, जो आपने सवाल किया है, बस इतना ही कहूँगा, इसमें सबका साथ रहा है, सबका सपोर्ट रहा है, समाज का रहा है, हमारे कामगार मित्रों का, भाइयों का रहा है, जिनको आज मतलब हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कामगार दिवस पर. और हर साल हम भी कोशिश करेंगे इसी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए. 32 ईयर्स का जो सफ़र रहा है फैसल बहुत संघर्षशील रहा है. कहते हैं कोई किसी को बड़ा और महान बनना है तो संघर्ष से गुजरना होगा. तब भी धूप में जो है कि ठंड में और मूसलाधार बारिश में भी हमने दिन देखे हैं. एक एक कोड़ा पाँव खा के भी शहर में, मुंबई जैसी शहर कहते हैं ना, ये सपनों की नगरी है. हमने भी एक सपना लेके आया अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए. तब वो भूख थी कि हमें परिवार, लेकिन आज ये हमारा मुल्क ही हमारा परिवार सबसे बड़ा है, समाज ही हमारा परिवार है. इस मादरे वतन के लिए हमें कुछ करना है, कुछ करना. हमारी कंपनी में राष्ट्रगान के बगैर हम काम भी नहीं चालू करते. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.